फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे का खस्ता कचौड़ी। अब मैं बनाऊंगी आलू का ग्रेवी वाला सब्जी। जो आप मार्केट में खाते हैं उसे अच्छा और इजी तरीक़े से घर पर आप बना सकते हैं, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ आलू लिया है। आलू को मैं चार भागों में इस तरह से काट लेती हूँ, ये देखिए। और इसी तरह से मैं सारे आलू को काट लूँगी। और यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल डाला है, और 2 मैंने यहाँ तेज़पत्ता, 2 मैंने लाल मिर्च यहाँ पर डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, और यहाँ पर मैंने आलू को काट लिया है। तो यहाँ पर 2 मैंने प्याज को लंबे टुकड़ों में काटा है, और 1 टमाटर को मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है, और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरा मिर्च को दरदरा कूट लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज डाला है, और अदरक लहसुन को मैंने यहाँ डाला है, और मैं इसे 2-3 मिनट तक भूंज लेती हूँ मीडियम गैस पर। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया था, तो इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर को, और इसे भी मैं 2 मिनट तक इसी तरह मिलाते हुए भूंज लूँगी। तो इसे 1 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा देती हूँ, तो ये देखिए। और फिर से मैं इसे मिला लेती हूँ, तो टमाटर है जो अच्छे से गल गया है। तो इस तरह से चम्मच से दाब कर मैंने मसल लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और मसालों को मैं 2 मिनट तक मीडियम गैस पर भूंज लेती हूँ। तो मैंने यहाँ तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है, सिर्फ मैंने कलर के लिए डाला था। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक डाला है, और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटा हुआ आलू को डाल दिया है, और आलू को भी मैं डालकर मसालों के साथ 2-3 मिनट तक भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से आलू भी भुंजा गया है, तो इसमें मैं डालूँगी पानी को। तो ग्रेवी आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार आप कर सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा देती हूँ। तो ये देखिए आलू में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसे मैं इस तरह से मिला लेती हूँ। तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है, और गरम मसाला डालने के बाद मैं इस तरह से मिला लेती हूँ, और आलू को है जो अच्छे से मसल लेती हूँ। ये देखिए चम्मच से इस तरह से दाब दब कर मैं मसल लूँगी। तो आलू की सब्ज़ी है जो बनकर तैयार हो गया है, तो इसे मैं दूसरे साइड रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, और इसमें मैंने डाला है अजवाइन थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक डाला है, और इसमें मैंने 1/2 कटोरी रिफाइंड तेल डाला है। और अच्छे से मैं आटे में मिला लेती हूँ। तो आटे में अच्छे से मिलाने के बाद आप इस तरह से मुट्ठी बांध कर चेक कर सकते हैं, तो ये अच्छे से मिल गया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल ही सख्त डो तैयार करेंगे, जिस तरह से आप समोसा का आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ आटा को लगा लिया है, और इसे मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तब तक स्टफिंग का तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ जीरा डाला है, और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरा मिर्च का दरदरा कुटा हुआ डाला है, और 1 मिनट तक इसे मैं इस तरह से भूंज लेती हूँ। भूनने से इसमें अच्छा से स्वाद आ जाता है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और इसे मैं इस तरह से मिला लेती हूँ 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का जो पाउडर है तीखी वाली नहीं डाला है, सिर्फ कलर के लिए मैंने डाला है।
एक मिनट हो गया, मसाला भी अच्छे से ये भुंजा गया था, भुंजा गया है। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है, तो गरम मसाला मैंने आधा चम्मच डाला है और इसे मैं इस तरह से मिला लेती हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी मसला हुआ आलू को। अब मसला हुआ आलू को डालने के बाद भी मैं 3 मिनट तक मिलाते रहूंगी। आलू को अच्छे से भूनने से क्या होता है कि इसमें जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, तो यहाँ पर 3 मिनट हो गया है। देखिए, मैंने यहाँ मिश्रण को निकाल लिया है। मैदा भी हमारा सेट हो गया है, तो एक बार मैं इस तरह से इसे मिला लेती हूँ। अब मैं मीडियम साइज का बॉल तैयार करूँगी। तो एक बार में मैं 3 से 4 बॉल तैयार कर लूँगी और इस तरह से मैं पूरी बेल लूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं आलू का मिश्रण को इसमें डालते जाऊंगी और इस तरह से मैं घुमाते हुए फोल्ड कर लूंगी और एक्स्ट्रा आटा को चिपका दूंगी इस तरह से। और थोड़ा सा मैं इसमें सूखा मैदा लगाऊंगी और लगाने के बाद इसे मैं इस तरह से बेल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे पूरी तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पूरी है जो बेल कर तैयार कर लिया और तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो गया था। तो एक एक करके मैं इसमें पूरी को डालते जाऊँगी। जिसे तलते वक्त मैंने गैस को मीडियम ही रखा है, तब मैं इसे दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। ऐसे इसी तरह उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तल लूँगी। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन का हो गया है। तब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे पूरे कचौरी है जो तल कर तैयार कर लूँगी। तो ध्यान रहे, तलते वक्त बिल्कुल गैस को मीडियम ही रखें, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेगा। तो देखिए, मैंने सारे कचौरी को तल कर तैयार कर लिया है और मैंने ये आलू के सब्जी के साथ सर्व किया है। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो आप मार्केट में खाते हैं उससे भी टेस्टी आप घर पर इस तरह से बना सकते हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।